हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भैया शायद आप ये भूल गए हैं कि श्रीराम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे तब वह उसी न रूप में आपका विनाश करेंगे। बाजे कान के पास बजाओ। बाजे कान के पास ले जाकर जोर से बजाओ। और जोर से। कोई लाभ नहीं। बाजे वाले हट जाएं, भाले और खड़ग इनके शरीर में चुभाए जाएं।
दीर्घायु भव। महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया है, क्या वह सत्य है कि इस समय वानर सेना ने लंका के गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तात, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया है, क्योंकि हम सब की आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख प्रमुख योद्धाओं को मार डाला है। जब तक समुद्र पार के दूसरे स्थानों से और राक्षस योद्धा सहायता के लिए नहीं आ जाते, तब तक इस बची खुची सेना से लंका की सुरक्षा करना बहुत कठिन दिखाई देता है। लंका का कोष भी खाली होने वाला है, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना आवश्यक हो गया है। इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके तो इंद्रजीत उसका सामना कैसे कर सकता था, इसलिए अभी तक हमने उसे युद्ध में नहीं भेजा है। आप स्वयं क्या रणभूमि में गए थे? हाँ, जब प्रहस्त और मकराक्ष भी मारे गए, तब हमने सोच लिया कि शत्रु ऐसे योद्धाओं से वश में आने वाला नहीं है। युद्ध लंबा होता जाएगा और लंका निवासियों का मनोबल दिन प्रतिदिन मंद होता जाएगा, इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि हम स्वयं जाकर एक ही बार में शत्रु का समूल नाश कर दे। परंतु शत्रु इतना निर्बल नहीं निकला जितना हमने समझा था। उसने हमारे समस्त अस्त्रों को काट कर हमें निहत्था कर दिया, और सबसे बड़ी चोट तो उसने में तब पहुंचाई जब उसने उस अवस्था में हमारा वध नहीं किया। युद्ध में मरने से हमारी वीरता को दाग नहीं लगता, परंतु उसने हमें अपमानित करके वापस भेज दिया है। आज सारा संसार हम पर हंसता होगा, यहाँ तक कि सीता भी हमारा उपहास करेगी। अब हम कौन से गौरव के अहंकार को लेकर उसके सामने जाएंगे? कुंभकर्ण मेरे भाई, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाकर उन वानरों और मानवों का भक्षण करना आवश्यक हो गया है। आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप ये भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब वह उसी न रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था, हमारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? था तो उस कार्य को वीरों की भांति करते। चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? सूरपनखा मेरी भी तो बहन थी, आज मुझे जिस प्रकार उठाया है, उस दिन यह हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए उचित ही नहीं, यह आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य अपने परम विद्वान और सच्चे हितैषी मंत्रियों के परामर्श से ही करे।
राजा को चापलूसों और ऐसे स्वार्थी मंत्रियों की बातों में नहीं फंसना चाहिए जो अपना निजी हित और अर्थ स्वार्थ के लिए राजा के साथ अपने देश को भी शत्रु के हाथों बेच सकते हैं। ऐसे ही मंत्रियों के लिए शास्त्र कहता है कि विनाशयंतो भर्तारम् संहिताः शत्रुभिर्बुधैः विपरीतानि कृत्यानि कार्यन्ति हि मन्त्रिणः तान् भर्ता मित्र संकाशान अमित्रान मंत्र निर्णय व्यवहारेण जानियात सचिवानु उपसंहितान। कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है, हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ भैया कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए, जैसे प्रातः काल धर्म का, मध्यान काल में अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहां अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो वहां उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्मयुक्त बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। इसी का यह फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। एक गुरु या आचार्य की भांति हमें उपदेश सुनाना है तो जाओ, जाकर फिर से सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय है संकट का, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। तो निश्चय कर लो कि तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे। अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वह अपराधी भी हो, तब उस संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। ससुहृदयो विपन्नार्थं दीनमभ्युपपद्यते, सबन्धुर्यो अपनितेषु सहायायोपकल्पते। सोच लो, रावण के कारण ही सही, परंतु रावण के साथ राक्षस जाति का विनाश हो जाए यह तुम्हें स्वीकार है या नहीं। तर्क का समय नहीं है। यदि मन में कोई संशय है, यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता तो युद्ध में जाने से कोई लाभ नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। जाओ। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा, वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है उसके बारे में न मेरे मन में कोई शंका है, न मेरे पथ पे कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी यदि बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है।
कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है, तुम राक्षस जाति की नाक हो। भैया अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त होने से पहले उस वनवासी राजकुमारों के मस्तक लंका की गली कूचों में से गेंद की भांति पैरों से लुढ़काता हुआ लेकर आऊंगा, ताकि जिनके प्यारे संबंधी इस युद्ध में मारे गए हैं वह भी आकर उसे एक एक ठोकर मार सके। यदि मैं जीवित रहा तो आज रात को लंका में विजय का उत्सव होगा। परंतु क्या? परंतु भैया, सबकी बात सच निकली और वो सचमुच भगवान है तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा, यह मेरा वचन है। मृत्यु की बात ही मन में क्यों लाते हो कुंभकर्ण, तुम अवश्य विजयी होगे। हम सेना नायक को आदेश देते हैं कि तुम्हारे साथ जाने के लिए चतुरंगी सेना तैयार की जाए। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला ही जाऊंगा, मेरे हाथ में केवल शिव का त्रिशूल होगा, उनकी आधी सेना तो मेरे पांव के नीचे कुचल जाएगी। भैया मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। भैया एक प्रार्थना करूं? कहो। यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना फिर उन्हें कोई नहीं जीत सकता, तब श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाइएगा, जिससे हमारा कुल समूल नष्ट होने से बच जाए और आपका राज अकंटक हो जाए। प्राणी जब अपने कुटुंबी जनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य भोगता है तभी वह प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। यदि तुम जैसे भाई नहीं रहे तो तीनों लोकों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का? भाई भाइयों के बेटे, अपने बेटे मरवाकर कैसे ऐश्वर्य भोग सकेगा रावण? जाओ कुंभकर्ण, मृत्यु की बात मत करो, युद्ध की बात करो, युद्ध में विजय की बात करो, जाओ। भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए।